आप देख रहे हैं रेड लाइन इलेक्शन स्पेशल। आज पाकिस्तान की 11वीं और पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी है। मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, ये मॉन्यूमेंट है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का। लियाकत बाग रावलपिंडी के सामने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आज से 16 बरस पहले बेदर्दी से शहीद किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। मौके की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गढ़ी खुदाबख्श के अंदर एक बहुत बड़े जलसे का अहतमाम किया है और इस जलसे से बाकायदा 2018 के बाद एक तवील इंतज़ार के बाद जो इंतखाबात होने वाले हैं उसकी कैंपेन को उन्होंने ट्रिगर किया है। जो बड़ा सवाल हमारे सामने ये है वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर इस्तेमाल कर पाएगी, सियासी तौर पर इससे वो फ़ायदे उठा पाएगी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उसकी मीरास है, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को इतना अरसा गुजर गया, बहुत सारा पानी दरियाए सिंध में से गुजर गया, इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वैसे अपने सियासी बयानिए के अंदर शामिल तो रखे लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर ना हो। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने ना सिर्फ अंदरून सिंध के मामलात भी रखेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर असर क्या हुआ, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सियासी हालात के मुताबिक ढाला और आज इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो आपको दूसरी जमातों के बयानियों की नस्बत ज़्यादा बुलंद और तवाना नज़र आता है, और उसके पीछे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आवाज़ भी मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में इंतखाबात की जीत को मुमकिन बनाने के लिए कुछ गुमगु कैफियत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तितर बितर हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अपने बयानिए को तगड़ा रखा हुआ है और आज के दिन वो उस बयानिए के अंदर शहादत के खून से ज़्यादा तवानाई डालेगी। खुदा बख्श में जमा हो के पूरी दुनिया को एक ही पैगाम भेजते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? क्या लाहौर की किस्मत ये है कि एक खिलाड़ी लाहौर के किस्मत के साथ खेलता रहेगा? मैं अपने जियालों से इजाजत मांगता हूँ, अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का, वज़ीर-ए-आज़म का, नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूँ कि हम तैयार हैं। तो क्या आप इजाजत देते हो? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज इजाजत देते हो? अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जहां पर मैं खड़ा हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ पर जलसे में तशरीफ लाएं उस फेटफुल दिन, और इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जिस किस्म के जलसे देखने और करने की आदत और तवक्को थी उसके मुताबिक वो जलसा हुआ। लोगों की शिरकत और दिलचस्पी काबिले दीद थी, माहौल बड़ा गर्म था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस माहौल के मुताबिक और अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होते हुए और अपनी तरबियत को बुरुएकार लाते हुए कुछ ये बातें की।
तीर पर मोहर लगाओ, ये पैगाम बेनजी भुट्टो साहबा यहाँ से देकर निकली और उसके बाद उस सफ़र का आगाज़ वो ना कर पाई जो उनको दुनिया में रख सकता था। अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। इस वक्त जो आप मनाजर देख रहे हैं, इन मनाजर के ऊपर अक़वामे मुत्तहिदा ने अपना कमीशन भी बनाया, सहाफ़ियों ने तहकीक की, किताबें लिखी गईं, लेकिन अभी तक इसका कोई हतमी सिरा किसी के हाथ में लगा नहीं। बेनजी भुट्टो साहबा जब जलसागार से बाहर निकली तो अपनी गाड़ी में अपने साथियों के साथ मौजूद थी। उस वक्त गाड़ी के अंदर माहौल क्या था, बेनजी भुट्टो साहबा गाड़ी से बाहर क्यों निकली, इसके ऊपर भी बड़े सवालात हैं। लेकिन एक लीडर है, उसके सामने एक इतना अच्छा जलसा है, लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लीडर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो बेनजी भुट्टो साहबा ने अपनी गाड़ी की छत खोली और इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर मंजर नज़र आ रहा है कि वो आखिरी लम्हात हैं जब एक दहशतगर्द ने सीधा हाथ करके बेनजी भुट्टो साहबा की तरफ गोलियां चलाईं। हमारे अपनी तहकीक के मुताबिक नतीजा जो हमने अखज़ किया वो ये है कि बेनजी भुट्टो साहबा जो है वो गोलियाँ लगने से या बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गई थी या शहीद हो गई थी, जबकि तहकीकात करने वालों का मानना है कि बेनजी भुट्टो साहबा को गोलियों के ज़रिए रैटल तो किया गया, परेशान तो किया गया, लेकिन हतमी तौर पर जो उनके ऊपर हमला किया गया, जो फेटफुल साबित हुआ, वो हमला एक खुदकुश हमला आवर ने किया। सीक्वेंस जो भी हो, जो कैमरे ने शवाहिद पकड़े हैं उसके ऊपर तजिया जारी रहेगा। इस वाक़े ने पाकिस्तान की तारीख को अक्सर बदल डाला। बेनजी भुट्टो शदीद ज़ख्मी हुई और उनको यहाँ से निकाल कर उस हॉस्पिटल ले जाया गया जो अब उनके नाम पर बना हुआ है, बेनजी भुट्टो शहीद हॉस्पिटल। ये सफ़र बहुत तकलीफ़ दह था, बहुत अंदनाक था, और इसके अंदर जो लोग मौजूद थे उनके लिए ये नाकाबले बयान हद तक अजियत थी। नाहिद ख़ान जो उस वक्त मौजूद थी बेनजी भुट्टो साहबा के साथ उस गाड़ी के अंदर, उन्होंने हमें एक प्रोग्राम में ये बताया। बिल्कुल तलत, मैं समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है जो कि दिन दहाड़े बीवी को मारा गया है, और मैं आई एम वेरी क्लियर, मैं यानी इतनी ज़्यादा क्लियर हूँ कि मैं, क्योंकि गोली की आवाज़ के साथ बीवी नीचे आई है, क्योंकि मैंने एकदम सोचा कि किसी ने ये क्रैकर चलाया है कुछ, मैं दिल में सोच रही हूँ कि पार्टी के लोगों को मना किया हुआ है कि बीवी जब खड़ी हूँ कोई क्रैकर कुछ ना चलाया करें, लेकिन ये क्रैकर जैसे ही गोली की आवाज़ें, मैं क्योंकि शीशे से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, लोग डांस कर रहे थे, जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर के नारे लगा रहे थे और बीबी के नारों का जवाब बीबी दे रही थी, एकदम गोली की आवाज़ आई है और उसके साथ ही मुझे लगा कि मेरी गोद में कोई हैवी चीज़ गिरी है एकदम। जब मैंने यानी इट वाज पार ऑफ द सेकंड के जब मैं एकदम मुड़ी हूँ तो मैंने देखा कि बीबी मेरी गोद में गिरी हुई थी, ऊजिंग ब्लड था बिल्कुल, मेरे कपड़े बिल्कुल टोटली आई वॉज सोक्ड विद ब्लड, इतना ज़्यादा खून था कि सफदर मुझे पीछे से कह रहे थे अपना दुपट्टा बीबी के उस पर रखो। आई वॉज सो मच ट्रामेटाइज्ड, इतना मैं चीख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मखदूम साहब बैठे हुए थे, राइट साइड पे आई वॉज सिटिंग और पीछे सफदर बैठे हुए थे, खालिद शहनशाह थे, बीबी के उनके पर्सनल स्टाफ का एक बंदा बैठा हुआ था, फ्रंट पे ड्राइवर था और सिक्योरिटी के वो थे, लेकिन उसके बीबी के गिरते ही एकदम जो है ना एकदम फायर की आवाज़ के साथ बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट होने के साथ गाड़ी की रीम जो है वो शायद गाड़ी के टायर बस्ट हुए हैं और गाड़ी रीम पे चल रही थी, हम रश कर रहे थे टू हॉस्पिटल के इनको नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है उधर लेके जाएं, बिकॉज लेफ्ट साइड वाज ब्लॉक, हमारी गाड़ी राइट साइड पे टर्न थी, तो हम वी वर गोइंग टूवर्ड्स मरी रोड। बेनजी भुट्टो साहब की शहादत कन्फर्म हुई, डॉक्टर ने इसको बाकायदा अनाउंस किया, जो खबरें बनी, जो हेडलाइंस बनी वो भी इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम की तमाम दुनिया शॉक में चली गई। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का वक्त करीब था, शदीद किस्म का रद्देमल आया और ऐसा रद्देमल कि लगता ये था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब जाएगा। बेनजी भुट्टो साहबा की शहादत के बाद होने वाले हंगामों को बहरहाल किसी ना किसी तरीके से रोकना था और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को वापस लाने का बाकायदा एक बंदोबस्त किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, वो नारा जो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का एक हिस्सा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए का हिस्सा है। 41 रोज़ तक ये इंतखाबात मुलतवी हुए और उसके बाद इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। बेनजी भुट्टो साहबा के कत्ल का केस चलता रहा,
9 साल और 8 माह की तवील मुशक्कत के बाद बाज दहशतगर्दों को सजा हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहरहाल मानना ये है कि ये वो लोग नहीं हैं जिन लोगों ने असल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को प्लान किया था। उस वक्त के जो सिक्योरिटी के अहलकार थे उन्होंने इस दौरान बताने की कोशिश की कि कैसे इस साजिश को बाकायदा बनाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ऑडियो टेप भी चलाई गई जिसमें मुबैना तौर पर दहशतगर्द उस वक्त के मशहूर बेनज़ीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन की प्लानिंग करते हुए आपको सुनाई देते हैं। पुलिस अफसरान भी इस केस की जद में आए। CPO सऊद अजीज़ और SP खुरम शहजाद को मुजरमाना गफलत का मुर्तकब करार देते हुए 17 साल की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त दोनों अफसरान जमानत पर रिहा हुए हैं। आज गड़ी खुदा बख्श के अंदर ये तमाम का तमाम केस किसी और अंदाज से प्रेजेंट हो रहा है। अंदाज से मुराद ये नहीं है कि हकायक से खेला जा रहा है, अंदाज से मुराद ये है कि एक नई उम्मीद दिलवाई जा रही है कि कैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तवील अरसे के बाद अपनी आखिरी मनाजिल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ही अगर पीपल्स पार्टी की एक और हुकूमत बनती है इस इंतखाब और चुनाव के नतीजे में तो शायद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के अंदर जो लूप होल्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर प्लग हो जाएं। पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि लोगों को याद दहानी करवाई जाए और बावर करवाया जाए कि कैसे भुट्टो ख़ानदान ने जितनी जान की कुर्बानियाँ सियासत में दी हैं उसकी मिसाल पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। हम आपको लिए चलते हैं गड़ी खुदा बख्श जहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं ये तमाम वाकयात, ये तमाम शहादतें, ये तमाम मसाइल और ये तमाम देरीना वसवसे कैसे आज पीपल्स पार्टी के जलसे के अंदर से एक नए इंतखाब और उसमें से होने वाले चुनाव के लिए उम्मीद की किरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है या ये बहुत मरतबा पहले किया जा चुका है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से बयानियाँ बनाया जाए लेकिन पीपल्स पार्टी को हर मरतबा कामयाबी नहीं हुई। तो हमारे रिपोर्टर वहाँ से बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है और माहौल कैसा है और बिलखसूस जिस बयानिए की बात हमने शुरू में की वो बयानिया किस तरह से आर्टिकुलेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में नहायती अकीदत व एहतराम से मनाई गई है जबकि पाकिस्तान भर से जो पीपल्स पार्टी के जियाले जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद आज बरसी के मौके पर यहाँ पर गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में पहुँची थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। जबकि अगर ख्वातीन की बात की जाए तो ख्वातीन की भी बड़ी तादाद इस मरतबा हमें देखने को नज़र आई। जियाले जो इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे थे, अपने कायदीन की हिमायत में मुसलसल सारा दिन नारेबाजी भी कर रहे थे। अगली बारी फिर जरदारी, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी और ऐसे बहुत से नारे जो आज सारा दिन पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो लगा रहे थे और काफ़ी गहमा गर्मी हमें यहाँ पर आज नज़र आई। तो आम इंतखाबात भी इंतहाई करीब हैं, 8 फरवरी को होने वाले हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से आम इंतखाबात की मुहिम का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपने बरसी के खिताब में कहा कि हम आम इंतखाबात में इंशाल्लाह न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि हम जो कामयाब अगर हमें इकतदार मिला तो पाकिस्तानी कौम की जो हम खिदमत करेंगे, जो किसान हारी हैं उनको किसान कार्ड देंगे, जो मजदूर हैं उनको मजदूर कार्ड देंगे और जो नौजवान हैं उनको युद्ध कार्ड भी देंगे। साथ ही साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उसको मजीद बढ़ाएंगे और जो मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए सोलर प्लांट भी लगाएंगे। ऐसे बहुत से वादे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज किए हैं ऐसे बरसी के मौके पर। और आसिफ अली जरदारी ने भी जो अपने किताब में कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वादे किए हैं उनको इंशाल्लाह इकतदार में कर वो पूरा करेंगे। जबकि आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि माजी में हमने पाकिस्तानी कौम की आवाम की खिदमत की है, इस मरतबा भी आम इंतखाबात में आवाम की मदद से कामयाबी हासिल करके जो मुल्क की और पाकिस्तानी कौम की खिदमत करेंगे। ये हो नहीं सकता कि हम लड़काना में हों और मुर्तजा हाउस का जिक्र हम ना कर पाएँ। मुर्तजा हाउस जहाँ से भुट्टो ख़ानदान पला बड़ा, सियासी तौर पर उन्होंने अपनी उठान बनाई, वहाँ पर आज किस किस्म का माहौल है हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं, हमें बता रहे हैं कि मुर्तजा हाउस की तारीख क्या है और उसके बाद आज वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी, ये लाड़काना में अल मुर्तजा हाउस भुट्टो ख़ानदान का आबाई घर है और यहाँ भुट्टो ख़ानदान के जितने भी अफराद थे उनका बचपन जवानी यहाँ पर ही गुजरी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे या इससे पहले भी जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो इस घर के अंदर सियासी हवाले से बड़ी रौनक रहती थी।
और साथ में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने थे तो ये घर भी ज़्यादा सियासी हवाले से मुतहरक नज़र आया था। और इस इलाके के अंदर भी जो सूरत हाल थी इसके बावजूद कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी रहती थी कि शहरी जो है जब भी चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिल पाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक लाड़का नाम है किस्सा बहुत मशहूर है, अगर लाड़का नाम में आकर आप ये किस्सा सुनेंगे तो शहरी जो है लोक दास्तान की सूरत में आपको ये किस्सा सुनाएगा कि एक मोहम्मद फ़कीर जुम्मन नामी एक शख्स अल मुर्तज़ा हाउस के सामने अक्सर गुजरा करते थे। तो एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब घर के बाहर मौजूद थे तो उन्होंने मोहम्मद जुम्मन फ़कीर को देख कर भुट्टो साहब ने कहा कि मोहम्मद जुम्मन फ़कीर मुझे दुआ करें। तो जुम्मन फ़कीर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कहा कि क्या दुआ करूँ, आप वज़ीर आज़म हैं, इससे ज़्यादा क्या दुआ करूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इधर आ जाएँ, मैं आपकी साइड आ जाता हूँ। जिसके बाद भुट्टो साहब ने बड़े कहके लगाए और बड़ी देर तक वो हंसते रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की परवरिश भी इसी घर में हुई और भुट्टो ख़ानदान के जितने भी अफराद थे, शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब, सनम भुट्टो साहिबा, उनकी परवरिश भी यहाँ पर हुई। बाद में वो जलावतन हुए और जलावतनी में उनकी ज़िंदगी जवानी जो वो बाहर गुजरे उनकी। और लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपोजिशन लीडर की तौर पर जनरल ज़िया के दौर में ख़ास तौर पर यहाँ इस घर में आई थी तो ये घर दोबारा सियासी हवाले से सबसे बड़ी तहरीक की सूरत में नज़र आया था। इससे पहले भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तो यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो ये घर जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से जो शुरका थे, जो आलमी रहनुमा थे, तो वो यहाँ लाड़काना में भी आए थे। सबसे बड़ी जो एक तस्वीर कर ले, मंजरकशी कर ले या इवेंट कर ले, वो भी इस घर लाड़काना में देखा गया है। लेकिन बाद में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी हुई उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नसरत भुट्टो साहिबा जेल में थी तो और मुर्तज़ा भुट्टो साहब, शाहनवाज भुट्टो साहब जलावतन थे, सनम भुट्टो साहिबा भी लंदन में थी तो सारे जलावतन थे। तो यहाँ घर जो है अल मुर्तज़ा हाउस एक बिल्कुल खामोश सूरत में नज़र आता था। इर्द गिर्द जो सूरत हाल थी ऐसी मुतहरक नहीं थी। और भुट्टो साहब को जब फांसी आई तो ये घर बिल्कुल खामोश सूरत हाल में हमें नज़र आया था उस वक्त। और बाद में जब बेगम नसरत भुट्टो साहिबा जेल में थी, बेनज़ीर साहिबा भी जेल में थी और बाकी जलावतन थे, और शाहनवाज भुट्टो की लाश यहाँ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ लाई थी तो उस वक्त इस घर के अंदर दर्दनाक कहानी थी। बाद में जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी जब शहीद हुए थे तो उसकी लाश भी यहाँ पर लाड़काना पहुँचाई गई थी। तो ये घर उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के बाद ये घर जो ज़्यादातर दर्दनाक कहानी की सूरत में नज़र आ गया था। आजकल इस घर के अंदर जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब का खानदान जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या फातिमा भुट्टो साहिबा यहाँ पर पहुँचती है तो फिर शहरी जो है या आसपास के लोग जो हैं या उनके चाहने वाले जो हैं इस घर का रुख करते। अगर वो नहीं होते तो इस घर के बाद जो सूरत हाल है जो इस तरह से मुतहरक नज़र नहीं आती। बल्कि यूँ कह लें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब ये घर जो है बिल्कुल खामोश सूरत में एहतजाज करते हुए नज़र आता है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा बयानिए को कैसे देखते हैं, हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपने बयानिए की बुनत कैसे कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस तारीख का आगाज़ होता है, उनकी फांसी का केस लगा हुआ है, इसके ऊपर मीडिया की एक्टिविटी काफ़ी है, बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत का दिन है, आज बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है और उसके साथ पीडीएम की हुकूमत से अलहदा रहते हुए ताकत में होते हुए भी अपने फॉर्मर एलाइज़ को निशाना बनाते हैं तनकीद का और बड़ी खुली ज़ुबान के साथ और खुले अंदाज के साथ इस्टेब्लिशमेंट को ताने भी मारते हैं। तो ये मिला जुला कर बयानिया पीपल्स पार्टी का बनता क्या है, आइए एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। देखिए ये बेनज़ीर साहबा के इंतकाल को तकरीबन 16 साल आज पूरे मुकम्मल हो गए और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक इलेक्शन भी जीती है, 5 साल हुकूमत भी की,
लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी ने अपना एक जो एक रोल रहा था एक नेशनल पार्टी का, वो काफ़ी अर्से से खो दिया है। उसके पास कोई नैरेटिव उस तरह का नहीं है जो कि उसको पूरे पाकिस्तान की जैसे पार्टी थी, एक नेशनल पार्टी थी, वो बना सके। मैं ख्याल ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी एक अपने ही एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है कि कौन सा ऐसा नैरेटिव बनाए जिसकी वजह से वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। और ये यकीनी तौर पे एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अब ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी ने जो हालात जैसे तब्दील होते हैं उस लिहाज से अपने आप को उसने इस सियासत में नहीं ढाला है। पीपल्स पार्टी ने अपना एक हद तक एक बयानिया तो रखा हुआ है जो कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी है उसका, लेकिन और भी जो हालात जो तब्दील हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत तब्दीली आई है, या एक बहुत बड़ी मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो वोटर्स की अक्सरियत नौजवानों पे है। लेकिन अगर सिर्फ जो है इस बयानिया पे नहीं कर सकते हैं कि यानी भुट्टो की लेगेसी पे, ठीक है एक हद तक जो है वो सिंध में काम कर जाती है, लेकिन जो एक मजबूत बयानिया जो है वो अभी तक पीपल्स पार्टी बना नहीं सकी है। ये जो मेरी किताब है वो उन्हीं की एक लिहाज से ज़बानी है, उसमें ये कि जो उन्होंने अपने पूरे 20 साल के अरसे में जब 1986 में आने के बाद से जो है जितने भी एक बड़े बड़े इंटरव्यू दिए थे तो मैंने उसी को मरतब किया है। लेकिन दो तीन चीज़ें जो है बेनज़ीर साहब की बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त नज़र आती है उसके रोशनी में, जो कि उनके इंटरव्यूज़ थे, उनके बयान थे। तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ थी कि बावजूद इसके कि जब वापस आई थी तो 31 साल की थी खातिन, लेकिन अगर आप उनको इंटरव्यू देखें तो एक मैच्योरिटी नज़र आती है उनमें जो है, ये इनकी एक सियासी सूझबूझ नज़र आती है, वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी। दूसरी बात है बेनज़ीर साहब की कि बावजूद इसके कि उनको कठिन हालात से गुजरना पड़ा, उन्होंने कभी भी एक जद्दोजहद का रास्ता जो है वो ख़त्म नहीं किया। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी और जिसकी वजह से वो बावजूद इसके कि उनको मुख्तलिफ अवकात में उनको एक लिहाज सेट बैक भी हुआ, लेकिन वो हमेशा उससे निकल आई थी। अब तो एक और दूसरी एक और जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो कि हम सियासतदानों में नहीं देखते हैं वो ये थी कि उनकी एक कैपेसिटी थी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की और डिस्कोर्स में इंगेज करने की, उनको भी जो कि उनके बहुत सख्त नाकिदीन थे। और ये जो है हम देखते हैं कि किसी और सियासतदान में ये नहीं है। यहाँ पे तो साफ बात मालूम होती है कि या तो तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, लेकिन इसमें किसी में इतनी सलाहियत नहीं है कि आपसे जो है इख्तलाफात के बावजूद भी आपसे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, पीपल्स पार्टी को इस मरतबा बयाने का चैलेंज रहेगा। उसकी एक वजह यह है कि जो पिछली पीडीएम हुकूमत जिसका वो हिस्सा रहे, उनकी तमाम परफॉर्मेंस को सिर्फ नवाज लीग में नहीं डाला जा सकता। पीपल्स पार्टी उसका एसेंशियल पार्ट थी। तो जो महंगाई या दूसरी जिन भी चीज़ों पे पीपल्स पार्टी आज कमेंट करेगी, उससे सवाल तो होगा कि आप तो उस सिस्टम का हिस्सा थे। लिहाजा अब बयानिया क्या बनेगा, मुझे ये लगता है कि अब एक बयानिया बनेगा ये कि नवाज लीग लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है, एक उसको पिच किया जाएगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो 18वीं तरमीम पे जो नवाज लीग के लोगों के कुछ बयान आए हैं, उन्होंने एक और बयानिया क्रिएट कर दिया है पीपल्स पार्टी के लिए कि देखें ये पूरा सिस्टम जो आ रहा है ये 18वीं तरमीम और 7वें एनएफसी अवार्ड को रिवर्स करेगा, जो कि सूबह खुद मुख्तारी के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो पीपल्स पार्टी ज़्यादातर मुझे लगता है कि इस मरतबा इन चीज़ों को फोकस करेगी और 7वें इस मरतबा कैंपेन में फ्रंट पर रहेंगे बिलाल भुट्टो साहब, और वो जो नौजवान क़ियादत वाला एक नया बयानिया भी वो सामने रख रहे हैं कि ये बाकी पुराने लोग अब सियासत नहीं कर सकते, सियासत बदल गई, अब नई क़ियादत को आना है, लिहाजा मैं अब एक ऑप्शन हूँ। तो मुझे लगता है कि पब्लिक में अब ये बयानिया पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। कितना रिस्पांस आएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर सिंध के कॉन्टेक्स में कहूँ तो सिंध में पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी की बहुत शानदार नहीं रही, जहाँ उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जो बताते भी हैं, टर्शरी हेल्थ की चीज़ें बताते हैं, रोड नेटवर्क की बताते हैं और इस तरह की चीज़ें, बट अगर बहसियत मजमू आप 15 बरस की कारकर्दगी देखें तो सिंध का कोई शहर पैदल घूमने के काबिल नहीं है, किसी शहर और गांव में पीने का साफ पानी आज भी नहीं है, और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे लोगों को बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन जो एडवांटेज है उसको वो ये है कि नवाज लीग और पीटीआई दोनों ने कभी सिंध को ओन नहीं किया पॉलिटिकली स्पीकिंग। उनका पाकिस्तान जीटी रोड से शुरू होकर जीटी रोड पे ख़त्म हो जाता है,
वो सिंध में टाइम लगाते नहीं है, सिंध में पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, इलेक्शन से 2 महीने पहले आके एक शुरू करते हैं GDA वगैरह के साथ अलायंस, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के सामने कोई मजबूत हरीफ नहीं है। सिंध की कांग्रेस पार्टियां पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग नहीं है। GDA एक तितर बितर लोगों का मजमुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी जो लोग हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा शानदार सियासी माजी नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है पीपल्स पार्टी को सिंध में जिसका वो हमेशा फ़ायदा लेती है और इस मरतबा भी लगता है कि उसका उसको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए पीपल्स पार्टी के वो जो स्लोगन से पाकिस्तान के आज की ज़रूरत फिर भी वहीं खड़ी हैं, आज भी लोग रोटी कपड़े और मकान से इतने ही महरूम हैं, आज तो गुर्बत की हालत भुट्टो साहब के दौर से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, सिर्फ सैलाबों के बाद पिछले दो साल में देख लें, इन्फ्लेशन का हाल देख लें, छठा हफ्ता है जो मेन आइटम्स हैं 40% इन्फ्लेशन पे मेंटेन्ड है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होकर रह गई, तो नारों में तो रेलेवेंस है लेकिन उन नारों उन चेहरों और उन क्यादतों पे लोगों का एतमाद और यकीन खत्म हो चुका। February 8 इलेक्शन है और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के लिए एक ही पैगाम है कि तैयारी पकड़ो, दमदम मस्त कलंदर होगा। आज जो बड़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी है, उस बरसी में मोहतरमा को याद तो किया जाएगा लेकिन मोहतरमा नहीं है, मोहतरमा भी नहीं है, मोहतरमा के ज़माने के पॉलिटिकल सियासी जो इकदार थे, जो वैल्यूज़ थे, जो रिवाज था, वो भी नहीं है। रही बात बयानी की जो आप पूछ रहे हैं, तो बयानिया तो इकतदार के हवाले से वही है कि सरे दस्त वो सारी बातें जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं उसके बारे में पीपल्स पार्टी को अपना बयानिया देना होता है, लेकिन उस बयानिये में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे का गला पकड़ने में माहिर हो जाती हैं और वो नया रिवाज और नया कल्चर जो है वो पैदा करती हैं। मैं समझता हूँ कि इस बयानिये में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आवाम का होगा और इलेक्शन में गहमा गहमी का होगा और इलेक्शन में दिलचस्पी पर बहुत बड़े मुजर असरात पड़ेंगे और लोग इलेक्शन की जानिब उस तरह मबजूल नहीं होंगे, उनकी तवज्जो उस तरह नहीं होगी जैसे 1988 में थी, 90 में थी, 93 में थी, 97 में थी या उसके बाद थी। तो ये बयानियां भी उस हवाले से देखा जाए तो ये इक्तदार के न्यूक्लियस के गिरदी घूमेगा और इक्तदार के गिरदी बातें करेगा जिसमें इक्तदार होगा, इक्तदारी पार्टियां होंगी और इक्तदार देने और इक्तदार लेने वाले होंगे, आवाम कहीं भी नहीं। तो बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद चूँकि ज़माना सारा तब्दील हो गया है और उस तब्दील होने वाले ज़माने में पूरी दुनिया में बहुत सारी बातें तब्दील हो चुकी हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस बारे में अभी खाल खाल ही सोचा जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर ख़जीनों में कोई बात है तो वो फिर भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या बेगम नुसरत भुट्टो हैं, बाकी उनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जो 18वीं तरमीम है वो बिल्कुल इसी तरह मीडिया ट्रायल का हिस्सा हो गई जैसे खुद आसिफ जरदारी मीडिया ट्रायल का हिस्सा हो। देखिए बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है आज 16वीं बरसी है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और आज ही से जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी इंतखाबी मुहिम का सही मानों में आगाज़ जो है वो आज ही से होगा, अब वो बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज जो बेनजीर भुट्टो का मशहूर कौल है, उसी बयानिए को वो आगे लेके जाएंगे और वो शो ये करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है इसी बयानिए को शो करना चाहते हैं कि उनके नज़र में इमरान ख़ान भी लाडले थे और उनकी नज़र में नवाज़ शरीफ भी लाडले हैं, लिहाजा वो एक तरीके से वो लाडले बनाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत केयरफुली, वो बराह रास्त मुझे नहीं लगता कि बराह रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट को हिट करेंगे,
वो बेसिकली अपने लिए भी स्पेस चाहते हैं, लिहाजा वो किसी भी तरीके से कॉन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी तो नहीं अडॉप्ट करेंगे। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, वो बुनियादी तौर पे ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अगले जो इलेक्शन आम इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, उनके नज़दीक पंजाब में उनको इंतज़ामिया की और इस तरीके से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं इसी तरह, वो तो बेसिकली वो उनका टिल्ट बिल्कुल यही होगा जब वो लाडले को अटैक करेंगे, जब वो लाडला कहेंगे चाहे नवाज शरीफ को कहें, और उनके बयान से ये ज़ाहिर भी हो रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक लाडले बनकर आ रहे हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून इसे रिफ़र करती है। मेरे ख़्याल में उनका नाम लिए बग़ैर उनका जो टारगेट रहेगा वो इस्टेब्लिशमेंट ही रहेगी, और इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ये वो बयानिया है जो आम तौर पे इलेक्शंस में बिकता है, तो प्रोग्राम्स मंशूर ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितना जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारा आजकल का मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसमें जो चीज़ सेल होती है उसी चीज़ को वो सेल करेंगे। इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आता है पीपल्स पार्टी का बयानिया बुनियादी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए कि उनका एक बैकलॉग जो है पीडीएम के साथ 16 महीने का, जिससे वो डिस्टेंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बुनियादी तौर पे उनका जो इस वक्त सिंध है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा फोकस सिंध पे ही कर रही है और सिंध में मैक्सिमम सीट्स हासिल करने की, और ये मैं सिर्फ रूरल सिंध की बात नहीं कर रहा, इवन अर्बन सिंध में उनकी पोजीशन निस्बतन मादी के मुकाबले में बेहतर है, और उसकी वजह ये है कि मीरपुर खास सखर में उनका मेयर है, मीरपुर खास में उनका मेयर है, हैदराबाद में उनका मेयर है, कराची में उनका मेयर है, तो वो एम ये कर रहे हैं कि उनको यहाँ से सिंध से इतनी सीटें मिलें कि अगर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से कम नशस्तें मिलती हैं, जिसके इम्कान है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नशस्तें नहीं मिलेंगी, तो वो कम से कम इस पोजीशन में हों कि वो ज़्यादा जब इलेक्शंस हों और एक स्प्लिट मैंडेट आए तो स्प्लिट मैंडेट में सबसे स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन उनकी हो। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी का अगले आम इंतखाबात के लिए जो फोकस है वो ये है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक बहुत बड़ा सानिया था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तौर पर जलजला लाया उसके असरात आपको आज भी नज़र आते हैं। इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालत के ज़रिए फांसी और उनका अदालती कत्ल जो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बायस शर्मिंदगी भी है और उसको वजह भी बना रहे हैं तारीख के दाग धोने के लिए, वहाँ से लेकर आप बिलावल भुट्टो जरदारी तक जब आते हैं तो पीपल्स पार्टी ने बीच में बहुत जगह पर आपको लचक भी दिखाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत जगह पर आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट भी दिखाई है, लेकिन इस मरतबा इंतखाबात के मौके पर हमें लगता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पर यह फैसला किया है कि कम से कम पब्लिक में जो उनका स्टैंस रहेगा वो एक सख्त तरीन ऑपोजिशन का स्टैंस रहेगा। सख्त तरीन कितनी सख्त होगी इसका इन्हसार है कि पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में अपने कैंपेन में से किस किस्म का रद्दमल आता हुआ नज़र आता है। सिंध के अंदर यकीनन ये कैंपेन बड़ी तगड़ी रहेगी, इसके अंदर जान आपको नज़र आएगी, खैबर पख्तूनख्वा के बाद हिस्सों में आपको जान नज़र आएगी, लेकिन असल बैटल ग्राउंड पंजाब के अंदर है। तो जो बयानिए का असल इम्तिहान है वो ये है कि जब आप पंजाब में आएंगे तो पंजाब जिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें हैं, और जिसको जीतने के बाद ही आप मरकज़ के अंदर हुकूमत को हतमी तौर पर बना सकते हैं, वहाँ पर इस बयानिए का असर क्या होगा आने वाले दिनों में। आज कड़ी खुदा बख्श के अंदर से जो बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया गया है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के दिन, उसका असल इम्तिहान शुरू होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।